और इंतखाबात तब होंगे जब इलेक्शन कमीशन चाहेगा। इलेक्शन जरूर हों लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड होना जरूरी है। आम इंतखाबात एक साथ और एक वक्त पर होने चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की खैरपुर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला किया, जब जजेज इस फैसले से मुत्तफिक नहीं तो आवाम कैसे होगी। जल्दबाजी के फैसलों में हमेशा सुकुम होता है। 2018 जैसे इंतखाबात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के कितने जज इस फैसले से मुत्तफिक हैं? मतलब मैं कि एक दो की बात मैंने सुना, कई जज ऐसे हैं जो मुत्तफिक नहीं इस फैसले से, तो कैसे आवाम को आप ऐसे फैसले पर मुत्तफिक करेंगे? और इसीलिए हमारी डिमांड, या चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि जिन जजेस ने रिक्यूज किया, यानी उन्होंने कहा कि हमें इस बेंच में ना बिठाओ, उनके अलावा बाकी जो 13 जज बनते हैं उनकी आप फुल कोर्ट बिठाएं, वो जो फैसला करें वो हर एक के ऊपर, ताकि एक कलेक्टिव विजडम आए। लेकिन वही बेंच बना, उस बेंच में जो जज रिक्यूज किए थे वो भी शामिल थे।